ठीक नहीं है पठान शाहरुख खान की तबीयत। एक तरफ विवादों की आंधी में फंसी है फिल्म पठान, तो दूसरी तरफ ठीक नहीं है किंग खान की सेहत। इन्फेक्शन से है परेशान, डॉक्टर ने बादशाह खान के लिए बनाया दाल चावल वाला डाइट प्लान। लगता है कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के सिर से संकट के बादल छटने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ तो शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान बुरी तरह से विवादों के बवंडर में फंसी हुई है। फिल्म के बेशर्म रंग गाने में दीपिका पादुकोण भगवा कलर की बिकिनी पहने क्या दिखी कि फिल्म के बायकॉट की डिमांड होने लगी है। सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम संगठनों ने भी शाहरुख खान से माफी की मांग कर दी है। लाख कोशिशों के बाद भी पठान के साथ जुड़ा ये भगवा बिकिनी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ खबर आई है कि शाहरुख खान की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वो पेट के एक इन्फेक्शन से जूझ रहे हैं। खास बात तो ये है कि इस बात की जानकारी खुद शाहरुख खान ने ही अपने चाहने वालों के साथ शेयर की है। दरअसल बीते दिन शाहरुख खान ट्विटर के जरिए अपने फैंस के साथ मुखातिब हुए थे। शाहरुख ने फैंस के लिए आस्क एसआरके सेशन रखा था। फैंस तरह तरह के सवाल शाहरुख खान से पूछ रहे थे और वहीं शाहरुख भी अपने सभी फैंस के जवाब दे रहे थे। इसी दौरान एक फैन ने एक्टर से उनकी फूड हैबिट को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब देते हुए शाहरुख ने बताया कि वो फिलहाल दाल चावल पर गुजारा कर रहे हैं। शाहरुख ने फैन के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा, इन्फेक्शन की वजह से थोड़ा ठीक नहीं हूं तो इन दिनों सिर्फ दाल चावल। शाहरुख के इस जवाब से साफ है कि किंग खान फिलहाल सिर्फ दाल चावल खाकर ही गुजारा कर रहे हैं। जब से शाहरुख ने सोशल मीडिया पर अपनी तबीयत ठीक ना होने की जानकारी दी है, तभी से उनके फैंस की भी चिंता बढ़ गई है। फैंस शाहरुख के इस ट्वीट पर रिप्लाई कर उनके जल्द ठीक होने की दुआ कर रहे हैं। कुछ फैंस तो ऐसे भी हैं जो ये दुआ कर रहे हैं कि शाहरुख खान जल्द से जल्द अपनी मुश्किलों से पार पा जाए और पठान बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस के झंडे गाड़े। बात करें पठान फिल्म की तो ये फिल्म शाहरुख खान के करियर के लिए बेहद अहम है। फिल्म जीरो के डूबने के पूरे 4 साल बाद शाहरुख खान फिल्मी पर्दे पर वापसी करने जा रहे हैं। हालांकि रिलीज से पहले ही ये फिल्म विवादों में भी घिर गई है। वहीं बीते दिनों शाहरुख खान धार्मिक यात्राओं पर भी दिखे। इसी महीने की शुरुआत में शाहरुख ने सऊदी अरब पहुंचकर मक्का में उमराह किया था। इस दौरान की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वहीं बीते दिनों शाहरुख खान माता रानी के दर्शन करने वैष्णो देवी भी पहुंचे थे। वैष्णो देवी पहुंच शाहरुख ने मां का आशीर्वाद लिया था। वो पैदल चढ़ाई करके भवन तक पहुंचे थे। शाहरुख की एक तस्वीर भी वायरल हुई थी जिसमें वो मां वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद माथे पर टीका लगाए दिखे थे। ब्यूरो रिपोर्ट E24।